हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एमएड एंट्रेंस टेस्ट की। तो उसमें से हमारा जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है उसके बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या कहता है? वैल्यू आर लिंक्ड टू, मूल्यों से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट है विजन, सेकेंड है इमेजिनेशन, थर्ड है क्रिएशन, फोर्थ है मिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विजन, यानी कि दृष्टि, कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू होलिस्टिक एजुकेशन वन वुड नोन, समग्र शिक्षा से ज्ञात होता है। फर्स्ट है सम्मान का मूल्य, सेकंड है राष्ट्रवाद का मूल्य, थर्ड है व्यक्तित्व अस्तित्व का मूल्य, फोर्थ है मानव जीवन का मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वैल्यू ऑफ पर्सनल बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका, सेक्रीफाइस इन ह्यूमन वैल्यू स्टैंड फॉर। फर्स्ट है आपका हेल्प विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन, सेकेंड है हेल्प विदाउट सेल्फिश मोटिव, थर्ड है हेल्प विदाउट इगोटिज्म, फोर्थ है हेल्प विदाउट इगोइज्म। तो अगर हम इसकी बात करें तो मानवीय मूल्यों में बलिदान का तात्पर्य क्या है? आत्मबोध के बिना मदद करना, स्वार्थी उद्देश्यों के बिना मदद करना, अहंकार के बिना मदद करना, या अहम भाव के बिना मदद करना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थी उद्देश्यों के बिना मदद करना। नेक्स्ट है आपका, थिंक पॉजिटिव थॉट इज द क्वालिटी ऑफ, सकारात्मक विचार सोचों का गुण है। फर्स्ट है बिहेवियर व्यवहार का, सेकंड है करेक्टर चरित्र का, थर्ड है पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का, फोर्थ है हैबिट आदतों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, वो है आपका करेक्टर, यानी कि चरित्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फियर इज अ टाइप ऑफ। तो आपको सभी को पता है कि जो भय है वो क्या है, एक तरह का इमोशनल पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉरल प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड आर रेगुलरली प्रोटेक्टेड एज लीगल राइट। निम्नलिखित में से कौन से नैतिक सिद्धांत है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और नियमित रूप से कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित है? फर्स्ट है आपका नेशनल राइट, सेकंड है ह्यूमन राइट, थर्ड है वुमेन राइट, फोर्थ है मैन राइट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ह्यूमन राइट, यानी कि मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। फर्स्ट है आपका साइरस सिलेंडर, सेकंड है मीडिया का संविधान, थर्ड है अधिकारों का बिल, फोर्थ है मैग्ना कार्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर वन, साइरस सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डैश स्किल सच एज राइटिंग स्पीकिंग एंड बॉडी लैंग्वेज आर इम्पॉर्टेंट वर्क एथिक्स सो दैट यू कैन बी क्लियरली इन योर मैसेज टू अदर। तो जब भी हम अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड डैश टू बी अ सक्सेसफुल इन योर कैरियर। तो आपका जो क्या होना चाहिए, अच्छा जो है आपका एटीट्यूड होना चाहिए, तभी क्या हो सकते हैं आप सक्सेसफुल हो सकते हैं किसी भी कार्यों में। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, व्यू पॉइंट, कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, When did the National Human Rights Commission NHRC of Indian constitute? भारत का मानवीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है आपका 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू। तो एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी से तात्पर्य क्या है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द एजुकेशनल पर्पस। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, असेस टू अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि सीखने के संसाधनों की व्यापक रेंज तक पहुंच। नेक्स्ट है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ टीचर्स टू, फर्स्ट है डिलीवर ऑनलाइन लेक्चर इन द रियल टाइम, पोस्ट असाइनमेंट एंड ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, 12 इंटरेक्टिव सिमुलेशंस एंड फोर्थ ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा आपका क्या आ जाएगा, ये सारे आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टूल इन एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में एक तुल्यकालिक संचार उपकरण का उदाहरण है? फर्स्ट है डिस्कशन फॉरम, सेकंड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोर्थ है ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म, फोर्थ है ई पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है, द टपक फ्रेमवर्क
रिप्रेजेंट द नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ टीचर रिलेटेड टू। अब जो एक टपाक ढांचा एक शिक्षण के ज्ञान और कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी पेडागॉजी असेसमेंट एंड कंटेंट नॉलेज। सेकेंड है टेक्नोलॉजी प्लानिंग असेसमेंट एंड करिकुलम डेवलपमेंट। फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजी पेडागॉजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंटेंट क्रिएशन। फोर्थ है टूल प्रैक्टिस असेसमेंट एंड द करिकुलम डिजाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रौद्योगिकी शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन और सामग्री ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डिजाइनिंग अ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लेसन प्लान इट इज इम्पॉर्टेंट टू। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ योजना तैयार करते समय यह महत्वपूर्ण है। फोकस सोली ऑन द चूजन टेक्नोलॉजिकल टूल। केवल चुने हुए प्रौद्योगिक उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना। सेकेंड है अलाइंग द टेक्नोलॉजी विद क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्ट। प्रौद्योगिकी को स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यों के साथ संरेखित करना। थर्ड है आपका प्रायोरिटाइज स्टूडेंट एंटरटेनमेंट ओवर लर्निंग आउटकम्स। सीखने के परिणामों पर छात्र मनोरंजन को प्राथमिकता देना। फोर्थ है मिनिमाइजिंग टीचर इंटरेक्टिव एंड मैक्सिमाइज स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन। शिक्षण शिक्षक के साथ बातचीत कम से कम करें और छात्र अन्वेषण को अधिकतर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच यूजिंग टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रचनात्मक सीखने की दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। फर्स्ट है वॉचिंग ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो व्याख्यान देखना। स्टूडेंट कोलैबोरेशन ऑन अ डिजिटल प्रोजेक्ट। छात्र का एक डिजिटल प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं। थर्ड है टेकिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑनलाइन क्विज। बहुविकल्पीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी लेना। यूजिंग अ फ्लैश कार्ड ऐप टू मेमोराइज फैक्ट। तथ्यों को याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड ऐप का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, छात्र एक डिजिटल प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, ऑप्शन बी, यानी कि आपका आ जाएगा स्टूडेंट कोलैबोरेटिंग ऑन अ डिजिटल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका इन द क्लासरूम विच एथिकल कंसिडरेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते समय कौन सा नैतिक विचार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है आपका कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टूल। सेकंड है एसेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट विद डिसएबिलिटीज। फोर्थ है पॉपुलराइज ऑफ द टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट फॉर टीचर। फर्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी उपकरणों की लागत प्रभावशीलता। सेकेंड है विकलांग छात्रों के लिए पहुँच। थर्ड है छात्रों के बीच प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता। फोर्थ है शिक्षकों के लिए तकनीकी सहायता की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका डिजिटल सिटीजनशिप रेफर टू द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन। डिजिटल नागरिकता का तात्पर्य प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग से है। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। सेकेंड है द क्लासरूम एनवायरमेंट ओनली। थर्ड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली। फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली। नेक्स्ट है आपका द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इन्वॉल्व स्टूडेंट्स। फ्लिप्ड क्लास मॉडल में छात्र शामिल है कंप्लीटिंग लेक्चर इन क्लास एंड द प्रैक्टिसिंग एट होम। लर्निंग न्यू कंसेप्ट एट होम एंड द प्रैक्टिसिंग इन क्लास। थर्ड है आपका वर्किंग ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट थ्रू आउट द कोर्सेज। फोर्थ है एंगेजिंग इन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग न्यू कंसेप्ट एट होम एंड प्रैक्टिसिंग इन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविजन चैनल्स। तो ये है आपका ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम टू सपोर्ट स्टूडेंट विद। सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग कक्षा में छात्रों की सहायता के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट है एडवांस नॉलेज एंड स्किल, उन्नत ज्ञान और कौशल के लिए। सेकंड है लर्निंग डिसेबिलिटी एंड द स्पेशल नीड्स, सीखने की अक्षमताएँ और विशेष आवश्यकताएँ। थर्ड है हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, प्रेरणा और जुड़ाव का उच्च स्तर। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, मजबूत प्रौद्योगिकी दक्षता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीखने की अक्षमताएं और विशेष आवश्यकताएं। नेक्स्ट है आपका ब्लेंडिंग लर्निंग कंबाइन एलिमेंट ऑफ।
फर्स्ट है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड ऑनलाइन लर्निंग, सेकंड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, थर्ड है रोट मेमोराइजेशन एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, फोर्थ है आपका स्टूडेंट प्रेजेंटेशन एंड द ग्रुप डिस्कशन। मिश्रण शिक्षा निम्नलिखित तत्वों को जोड़ती है, पारंपरिक कक्षा निर्देश और ऑनलाइन शिक्षण को, प्रयोजनात्मक आधिकारिक शिक्षा और पूछताछ अधिकार आधारित शिक्षा को, रटकर याद करना और समस्या समाधान गतिविधियों को, छात्र प्रस्तुति और समूह चर्चाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ए। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन, तो इसका जो राइट आंसर है एडगर डेल। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था जब हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन चैलेंज एसोसिएटेड विद यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी एक आम चुनौती नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी द्वारा छात्रों को सीखने के उद्देश्यों से विचलित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका एजुकेशनल प्लानिंग इज नेसेसरी टू, शैक्षणिक योजना आवश्यक है। फर्स्ट है इंश्योर सक्सेस ऑफ द इंटरप्राइज, सेकंड है मिनिमाइज बैकवर्ड चिल्ड्रन, थर्ड है बॉर्डन द आउटलुक ऑफ स्टूडेंट, फोर्थ है बेटर रिलेशन अमंग टीचर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वालिटी ऑफ द प्लान डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द डैश दैट प्रोड्यूस अ प्लान, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज एन एफर्ट टू मेक यूज द अवेबिलिटी रिसोर्सिस टू द, इसका जो राइट आंसर है ऑप्टिमम यानी कि संस्थागत नियोजन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का एक प्रयास है। तो ये इसका मतलब होता है इष्टतम, इसका अर्थ आएगा इष्टतम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट क्या नहीं है, तो एक तरह का ये प्योर साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज और डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोल। प्रबंधन एक डैश निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इमर्जिंग प्रोफेशन यानी कि उभरता हुआ पेशा। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्ट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ, शीर्ष प्रबंधन डैश के निर्माण से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट लॉन्ग टर्म प्लान। नेक्स्ट है SNE इज एब्रीवेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। नेक्स्ट है आपका द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ, इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण का। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द ECHR इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय द ह्यूमन राइट एक्ट 1998, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल नंबर 13। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 और 4, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, तो इसका जो राइट आंसर है द यूनाइटेड नेशन, तो इसका राइट आंसर है द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्या है आपका इन विच कंट्री डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन वॉज अडॉप्टेड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रांस। नेक्स्ट है हु वॉज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसका जो अगर हम बात करें तो करंट अगर हम इसकी बात करें तो इनके इसके जो करंट है के करंट की बात करें तो वो है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा। और अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये कब बना, तो ये 12 अक्टूबर 1993 में बना है, ठीक है। और इसके जो लास्ट चेयरमैन थे 2020 यानी कि 2 दिसंबर 2020 तक वो थे न्यायमूर्ति HL दत्तू। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर हम एज इट इज़ देखें कि करंट की बात यहाँ पर की गई है तो करंट कौन है आपके, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डेवलप्ड बाय, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका TCAS, है ना? ठीक है, TCAS या TCS, ठीक है। नेक्स्ट है, एरर इज कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो एरर कंप्यूटर प्रोग्राम में आते हैं उनको हम बग्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेड विथ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है IC। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU, तो राइट आंसर है इसका कंट्रोलर यूनिट एंड द ALU। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट ग्राफिक हेडलाइन एंड द फोटोग्राफ इज इन्वॉल्व इन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज, इसको कहते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ द URL ऑफ ईमेल, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी www@mail.com। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन सभी को ही पता होगा, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्राइव एंड द प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड द एक्यूरेटली। नेक्स्ट है आपका, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो इसके अंदर कितने आते हैं, इसके अंदर आते हैं 8 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मल्टी प्रोसेस। तो ये थे आपके कुछ एक क्वेश्चन, तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।